दोस्तों, क्या आपको पता है कि होली क्यों मनाई जाती है? आखिर होलिका को ही हर साल क्यों जलाया जाता है? आखिर उसने कौन सा गुनाह कर दिया था? इसके पीछे कई सारी पौराणिक कथाएं हैं, किंतु इन सब के बीच क्या आपको पता है कि हमारे भारत देश में जहां पर नारी शक्ति की बात होती है, भारत को विश्व गुरु बनाने की बात की जाती है, वहीं पर सोशल मीडिया पर एक मैसेज बहुत ही तेजी से वायरल होता है, जिसमें वो अपने दर्द को बताती है और कहती है कि मेरे प्यारे बहुजन भाइयों और बहनों, मैं आपकी बहन होलिका बोल रही हूँ। वही होलिका जिसे हर साल आप जलाते हैं और दूसरे दिन नशे में धुत होकर कीचड़, गोबर और रंगों से घोलकर खुशियां मनाते हैं। आज मैं वो सच्चाई बता रही हूँ जो हजारों सालों से इन झूठे मक्कारी फरेबी पाखंडी आर्यों ने आप लोगों से छुपाई है कि उस रात मेरे साथ क्या हुआ था और मैं कैसे जली थी। मेरा घर लखनऊ के हरदोई जिले में था। मेरे दो भाई थे, राजा हिरणाक्ष और राजा हिरण्यकश्यप। मेरे बड़े भाई राजा हिरणाक्ष ने आर्यों द्वारा कब्जा की हुई भूमि को जीतकर अपने कब्जे में कर लिया था। वहीं से आर्यों ने अपनी दुश्मनी के चलते षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। मेरे भाई हिरणाक्ष को विष्णु नामक आर्य राजा ने धोखे से मार डाला, जिसकी वजह से मेरे छोटे भाई हिरण्यकश्यप ने अपने भाई के हत्यारे विष्णु की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद को विष्णु ने नारद नामक आर्य से जासूसी कराकर उसे गुमराह किया और उसने अपने झांसे में लेकर घर में फूट डलवा दिया। प्रहलाद गद्दार निकला और विष्णु से मिल गया तथा बुरे कामों में पड़कर पूरी तरह आवारा हो गया। सुधार के तमाम प्रयास में विफल हो जाने पर राजा ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब प्रहलाद आर्यों में आवारा मंडली में घूमने लगा तथा उनके साथ रहने लगा। अब वो अव्वल नंबर का शराबी और आवारा बन चुका था, परंतु मेरा प्यार अपने भतीजे के लिए वैसा ही था। मैं अक्सर राजा से छुपकर प्रहलाद को खाना खिलाने जाती थी। फाल्गुन मास की पूर्णिमा थी, मेरा विवाह तय हो चुका था। फाल्गुन पूर्णिमा के दूसरे दिन मेरी बारात आने वाली थी। मैंने सोचा आखिरी बार प्रहलाद से मिल लूं, क्योंकि अगले दिन मुझे अपने ससुराल जाना था। जब मैं प्रहलाद को भोजन देने पहुंची तो प्रहलाद नशे में इतना धुत था कि वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। फिर क्या था, प्रहलाद की मित्र मंडली ने मुझे पकड़कर मेरे साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, भेद खुलने के डर से उन लोगों ने मेरी हत्या तक कर दी और मेरी लाश को जला दिया। जब दूसरे दिन मेरे भाई राजा हिरण्यकश्यप को यह बात पता चली तो उन्होंने मेरे बलात्कारियों को तथा हत्यारों को पकड़ लिया और उनके माथे पर तलवार से अवीर अवीर अर्थात कायर लिखवा दिया। उनके मुख पर कालिक पोतकर जूते चप्पल की महिला पहनाकर पूरे राज्य में जुलूस निकलवाया। जुलूस जिधर से गया, लोगों ने उन पर हत्यारों पर कीचड़ फेंकी, गोबर फेंका, कालिक फेंक कर उनका तिरस्कार किया। लेकिन इन पाखंडियों ने मेरी ही शहादत को छुपाकर एक त्यौहार बना दिया और आप लोग भी इनके झांसे में आकर अपनी बहन होलिका को हर साल जलाते हो और दूसरे दिन नशे में धुत होकर कीचड़, गोबर, रंग लगाते हो। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आखिर अपनी बहन को कब तक जलाते रहोगे और इन पाखंडियों के बनाए इस खेल को कब तक खेलते रहोगे? अब आपको तय करना है कि आप कब तक इस पाखंड की होली को मनाते रहोगे या अपनी बहन के सम्मान को बचाने के लिए इसका तिरस्कार करोगे। अब आपको विचार करना है कि हमारे सम्मान में आप क्या कर सकते हैं। तो ये एक वीडियो था जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसके बारे में आप सभी को हमें बताना जरूरी था। अब इसके पीछे क्या है कहानी, क्या सच्चाई है, आप लोग भी अपने अनुभव इस पर शेयर कीजिएगा। हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारे जो पौराणिक कथाएं हैं वो सत्य है या जो इस वीडियो में कहा जा रहा है वो सत्य है। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइए, ताकि अगर ये सत्य हो तो सब तक पहुँचे और सब लोग इसके बारे में जाने। धन्यवाद। जय हिंद।